हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिकी रंगोली लेकर के आई हूँ, हल्दी कुमकुम की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दो लेडीज़ बना रही हूँ, एक लेडी दूसरी लेडी का हल्दी कुमकुम करती है। तो कैसे बनाना है, जो सामने का फेस है वो मैंने कैसे बनाया है, एक अंडे के आकार का, एग के आकार का बना लिया है इस तरह से। ठीक है, उसको तीन भागों में मैंने डिवाइड किया है। नंबर एक जो रहता है वो बिंदी तक रहता है, नंबर दूसरा भाग बिंदी से नोजी तक हो जाता है, और जो तीस उसका जो बिंदी के बाद से बिंदी के जस्ट सामने से आईब्रोज बनती हैं, फिर वहाँ से नोजी तक का जो हिस्सा होता है, नोजी के बाद से ठुड़ी तक का एक तीसरा जो हिस्सा होता है उसमें क्या बनते हैं, हमारे लिप्स बनते हैं। ठीक है, ऐसे साइड फेस बनाना है। अगर आपको साइड फेस स्माइली फेस बनाना है तो सबसे इजी तरीका है, आपका जो स्माइली फेस साइड से बनाना है तो वो आम, जानते हो मैंगो आम है ना, बिल्कुल जस्ट आम की तरह बना लेना है। देखिए बिल्कुल आम की तरह इस तरह से मैंने बना लिया है इस तरह से, और बहुत ही इजी तरीका है, आप लोग भी बहुत अच्छे से बना लोगे। आम तो सभी बना लेते हैं, बड़े बूढ़े सब लोग बनाते हैं, हम लोगों को छोटे पर से ही सिखाया जाता है, आप इजीली बना लोगे। फिर उसके बाद थोड़ी सी गैपिंग करके, 1.5 इंच गैप करके सीधे मैंने एक लाइन खींच दी है उसके फेस तक का, और उससे मैंने उसका हाथ बना दिया है। ओके, तो अब आप ध्यान दीजिए, अब मैं उस पर कलर करने जा रही हूँ, मतलब कि मैं कलर सैंड का यूज़ करूँगी, रंगोली बनाऊँगी। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फेस बनाने के लिए मैं तीन कलर लेती हूँ, एक लाइट, एक उससे डार्क और एक उससे डार्क। ओके, तो आप लोगों को अब ध्यान से देखना है मैंने रंगोली कैसी बनाई है, आप लोग देखते रहिए। और हाँ, आप लोगों से एक बात और कहनी थी, प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, आप लोग पूरी वीडियो तो देखते नहीं हैं, बीच से ही देख करके भाग जाते हैं और फिर कहते हैं कि समझ में नहीं आया। अरे समझ में जब आएगा, जब आप पूरा देखेंगे। कभी भी कुछ भी कोई भी काम करना होता है ना, जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तो कैसे करेंगे। तो प्लीज़ 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 आप लोग पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। अब देखिए मैंने उसका फेस बना लिया, इसके बाद मैं दूसरी लड़की का हाथ बना रही हूँ। अब उस फेस के ऊपर हाथ क्लियर कैसे होगा आप बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, फेस से थोड़ा सा डार्क हाथ रखेंगे। देखिए मैंने फेस से थोड़ा सा डार्क हाथ रखा है, और फिर उसके थोड़े से डार्क कलर से आए थे ब्लू कलर से, सॉरी ब्राउन कलर से आप इसका आउटलाइन कर देंगे। ओके, तो आपका हाथ बिल्कुल उसका दूसरी लड़की का क्लियर होगा, लग रहा है कि हाँ उसके माथे पर वो ये कुमकुम लगाने जा रही है। ऐसे देखते रहिए, बाकी तो मैंने आपको बताया है कैसे बनना है एब्रोज वगैरह, तो आप लोग ध्यान दीजिए।
का बन गया है। अब इसके बाद इसकी साड़ी का बनाएंगे, ब्लाउज साड़ी। जैसा कि हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र में इस टाइप से इसकी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो मैंने इस टाइप से साड़ी बनाई है। आप लोग देखते रहिए। इनकी साड़ी बन करके हो गई है रेडी। इस तरह से ये इनकी साड़ी बन जाएगी। इसका बॉर्डर बन रहा है। और हाँ, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, महाराष्ट्र में ग्रीन कलर की चूड़ियाँ चलती हैं, तो मैंने इसके लिए सबकी ग्रीन कलर की चूड़ियाँ बनाई हैं। इस लेडी के हाथ में ग्रीन कलर की चूड़ियाँ देखिए मैंने बनाई हैं। अब ये इनका ये मंगलसूत्र बनेगा इस तरीके से। अब हम लोग एक दूसरी लेडी का फेस बनाएंगे। तो आप लोग पहले ही मैं बता चुकी हूँ मैंगो के आकार बनाना तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा बनाना। ये इस तरह से ही फेस बन जाएगा इनका। आप ध्यान देते रहिएगा मैंने कैसे बनाया है। अब मैं इनका गजरा बनाऊंगी। गजरा बनाने का सबसे तरीका अच्छा तरीका क्या होता है, आप लोग इसके लिए वो पॉइंट पॉइंट से रखने हैं, तीन लगातार रखिए तीन को, और फिर पेंसिल से इस तरह बना दीजिए तो वो देखने में बिल्कुल गजरे की तरह ही लगता है। तो इस तरह से ये इनका गजरा बन जाएगा। और गजरा बनाने के बाद में इस बाल कंप्लीट करके गजरा बनाने के बाद में हम लोग इसकी साड़ी बनाएंगे। तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा मैंने साड़ी कैसे बनाया है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ट्रिक यूज़ किया है। मैंने क्या किया है, एक मेरे पास घर में बेकार एक ये वॉच पड़ी हुई थी
ठीक है, तो मैंने इसका यूज़ कर लिया, मैंने इसके ऊपर रंगोली बनाया। मैं इसके ऊपर क्या बनाऊँगी, मेन ये भी ये सबसे ही मेन पॉइंट है। मैं यहाँ पे हल्दी कुमकुम से रिलेटेड एक सुहागन जो लेडी होती है, सुहागन जो औरत होती है, उसका सुहाग से रिलेटेड मैं बनाऊँगी। तो उसमें क्या आएंगे, एक नथ आएगी, एक मंगलसूत्र आएगा और कड़े आएंगे। देखिएगा आप लोगों को देखनी, देखिए कितनी खूबसूरत, और देखिए बनाने का तरीका देखिए, बहुत ही इजी है, कोई बहुत ही प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये इस तरह से ये नथ बनेगी, महाराष्ट्रीयन नथ है। ये इस तरह से बन गया है, अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। ये इस तरह से ये बन गए नथ, मंगलसूत्र, एक कड़े बन चुके हैं। तो लीजिए ये मेरी रंगोली हो गई तैयार। देखिए अब बताइए आप लोगों को ये रंगोली कैसी लग रही है। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी है। प्लीज़ शेयर 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 कीजिएगा। थैंक यू।